1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC-814 को हिजबुल के आक्रांता हाईजैकर के कंधार ले गए थे। क्या ये हाईजैकर्स वहां इन यात्रियों के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे? अनुभव सिन्हा तो अपनी फिल्म में यही कह रहे हैं। कल आपके देश के दो मंत्रियों ने दंगा करने वाले हिंदुओं को फेलिसिटेट किया, पढ़ा आपने? सवाल का जवाब खत्म। क्या इसे एक फिल्म के माध्यम से एक आतंकवादी का ह्यूमनाइजेशन कहा जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों किया जाता है ऐसे दरिंदों का ह्यूमनाइजेशन? Now the reverse is happening, Barkha. I know of boys who come from small towns want to become actors. They change their name to Khan because they think that's the badge of honor. कौन बनवाता है इन लोगों से ऐसी फिल्में और इसका क्या प्रभाव होता है लोगों पर और देश पर? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नसीरुद्दीन शाह ने थोड़े समय पहले अपनी ही फिल्म अ वेडनेसडे के बारे में बात करते हुए ये कहा। हालांकि शायद एक हिडन मैसेज था उसमें। हाँ, वो जो जो सारे टेररिस्ट मुसलमान थे चारों। नीरज से मैंने पूछा भी, मैंने कहा ये डिलिबरेट है कि नहीं। तो भाई साहब को इस बात से प्रॉब्लम हुई कि एक मजहब के लोगों को ही उस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त क्यों दिखाया गया? फिर अभी ना एक नई वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है IC-814, जिसे अनुभव सिन्हा बना रहे हैं और वो सीरीज कांधार हाईजैक बन रही है। कांधार हाईजैक में क्या हुआ था उसको ना अगले अध्याय में ढंग से समझेंगे, अभी अपना फोकस इस वेब सीरीज के ऊपर रखते हैं। तो नसीरुद्दीन शाह इस वेब सीरीज का हिस्सा हैं। अब नसीरुद्दीन शाह से प्रश्न ये है कि जिस हिडन एजेंडा की बात अवेयरनेस में वो कर रहे थे तो वो तो IC-814 में भी होगा, क्योंकि यहां तो 5 आतंकी जिन्होंने IC-814 को हाईजैक किया और 3 आतंकी जिन्हें छुड़ाया गया, यानी टोटल 8 उसी मजहब के हैं जिसके बारे में आप नीरज पांडे से लड़ाई कर रहे थे। तो फिर आपने IC-814 क्यों साइन कर ली भाई साहब? भाई ने उस इंटरव्यू में कहा कि जो 5 हाईजैक थे ना, उसमें जो सबसे खतरनाक वाला था, उसने फ्लाइट के कैप्टन को गर्दन में एक स्कार दे दिया, मतलब बहुत जोर से मारा यहां पर। और फिर उसके थोड़े टाइम के बाद हाईजैकर कप्तान के पास गया और बोला, कप्तान साहब देखो वो ना, मैंने वैसे तो तुम्हें थोड़ा बहुत मारवूर दिया है, पर ना उसके लिए सॉरी, और हाँ सुनो, अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। और हाँ, हाईजैकर ने उसके बाद कप्तान को बहुत बढ़िया सा हक दिया। कप्तान साहब आजीवन उस हक को नहीं भूल सकते। बड़ा ही पारिवारिक माहौल था भाई साहब वहां पर। फिर अनुभव सिन्हा ने आगे कहा कि 170 लोग जो इस फ्लाइट में हाईजैक हुए थे वो तो आराम से अंताक्षरी खेल रहे थे हाईजैकर्स के साथ मिलके। हाईजैक तो बहाना था, असल में पिकनिक मनाना था। सोचो, आपके पत्नी बच्चे सब उस फ्लाइट में थे और वो अंताक्षरी खेल रहे थे। वो तो भगवान की कृपा है कि अनुभव सिन्हा ये नहीं बोला कि कई पैसेंजर्स ने तो वापस घर आने से मना ही कर दिया था, वो तो हाईजैकर्स के साथ ही रहना चाहते थे। पर सेंटर में भाजपा की सरकार थी उस समय और संघियों ने उन्हें जबरदस्ती वापस बुला लिया। तो भाई इंटरव्यू पढ़कर मुझे ये तो समझ में आ गया कि नसीरुद्दीन शाह ने हाँ क्यों कर दी इस वेब सीरीज को करने के लिए। प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि एक मजहब के लोगों को आतंकी दिखाया गया, प्रॉब्लम इस बात से है कि अगर दिखाया गया तो उन्हें ह्यूमनाइज क्यों नहीं किया गया? ह्यूमनाइज करो भाई साहब, रावण को भी ह्यूमनाइज करने की बातें होती हैं यहां। तो नसीर साहब की असली प्रॉब्लम ये थी कि ह्यूमनाइज क्यों नहीं किया गया। अब कुछ लोग आकर ये बोलेंगे कि ये फिल्म तो कैप्टन देवी शरण की बुक के ऊपर बनाई गई है, यानी उस कैप्टन की बुक के ऊपर जो उस फ्लाइट को उड़ा रहे थे उस समय। तो भाई अनुभव सिन्हा ने खुद बोला है कि नेटफ्लिक्स ने उन्हें डायरेक्ट करने के लिए बुलाया था और स्क्रिप्ट ऑलरेडी उन्होंने फाइनल कर रखी थी जो कैप्टन देवी शरण की बुक पर बेस्ड थी। पर अनुभव सिन्हा को ना वो स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और उन्होंने स्क्रिप्ट में चेंजेस कर दिए। अनुभव सिन्हा ने ये भी कहा कि हाईजैक जो था वो कारगिल और पोखरण के कुछ महीनों के बाद हुआ था, तो इन दोनों चीजों को भी अकाउंट में रखना चाहिए कि क्यों हाईजैक हुआ। इससे पहले ना एक और फिल्म बनी थी राजी, वो भी हरिंदर सिक्का की बुक कॉलिंग सहमत पर बेस्ड थी। और जब फिल्म बनकर तैयार हुई, रिलीज हुई, तो हरिंदर सिक्का ने कहा कि ये फिल्म मेरी बुक से बिल्कुल अलग है, इसमें तो पाकिस्तानियों को और उनकी आर्मी को अपीज कर दिया गया है, मेघना गुलजार ने मेरे साथ चीटिंग की है। अब प्रश्न ये है कि क्या ऐसा ही कुछ अनुभव सिन्हा भी कर रहे हैं क्या? वैसे अनुभव सिन्हा बड़े गजब के डायरेक्टर हैं भाई साहब। इन्होंने इससे पहले भीड़ बनाई थी
और बताया था कि भारत में कोविड के समय जो लॉकडाउन लगाया गया था ना, वो जो लॉकडाउन था वो बिल्कुल वैसा था जैसे 1947 के समय बंटवारा हुआ था। मुल्क में भी भाई का प्रोपेगेंडा नहीं रुका था और वो फिल्म भाई ने बनाई ही केवल इसलिए थी ताकि एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना सिंपथी मिल सके। और आर्टिकल 15 में भी भाई ने अपना एंटी ब्राह्मण प्रोपेगेंडा पूरा चलाया था। अब अनुभव सिन्हा की IC-814 में इन लोगों को ह्यूमनाइज किया जा रहा है, पर असल में उस फ्लाइट में क्या हुआ था वो आगे देखते हैं। देखिए, इस सीरीज में क्या ड्रामा दिखाने वाले हैं वो तो हमने सुन ही लिया है, पर अब थोड़ा एक्चुअल IC-814 में क्या हुआ था, पैसेंजर्स को क्या झेलना पड़ा था ये सुन लेते हैं। 1994 की बात है, मसूद अजहर नाम का एक आतंकवादी भारत की गिरफ्त में आ जाता है जो कि हरकत उल मुजाहिदीन नाम के संगठन से था। इस दरिंदे को छुड़वाने के लिए ये संगठन एड़ी चोटी का जोड़ लगाने लगता है वेस्टर्न टूरिस्ट को एक एक करके अगवा करके, पहले 1994 में और फिर दोबारा 1995 में कश्मीर के भीतर। जब वेस्टर्न टूरिस्ट को किडनैप करने के किसी भी प्लान से बात नहीं बनती तब भारतीय प्लेन को हाईजैक करने का प्लान बनाया जाता है और इस प्लान में खुद ओसामा लादेन साथ था। 24 दिसंबर 1999 के दिन इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है जिसमें 180 लोग बैठे होते हैं पूरे क्रू के साथ। अचानक से फ्लाइट केयरटेकर अनिल शर्मा को एक आदमी खड़ा होकर बोलता है कि ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है और उसके पास है। अगली धमकी कप्तान देवी शरण को मिलती है, कहा जाता है कि फ्लाइट को पश्चिम की ओर ले जाओ, फ्लाइट पाकिस्तान की ओर मुड़ जाती है, पर वहां उतरने के आदेश नहीं मिलते तो फ्यूल कम होने के कारण फ्लाइट को अमृतसर उतारा जाता है। फ्लाइट अब आक्रांताओं के काबू में थी, पैसेंजर्स को जो लंच खाने को दिया गया था वो छीन लिया गया था, पुरुषों को महिलाओं से और महिलाओं को बच्चों से अलग कर दिया गया था, सबकी आंखें बंद कर दी गई थी ब्लाइंड फोल्ड के द्वारा और जिसने आवाज की उसे से उड़ाने की धमकी दे दी गई थी, ये खुद पैसेंजर्स ने बताया है। अमृतसर जो प्लेन उतरा था उसे अमृतसर में फ्यूल भरने की मंजूरी नहीं मिली थी, तब हाईजैकर्स ने आगे बैठे 5 यात्रियों को पकड़कर उनके हाथ बांध दिए थे पीछे की साइड। रुपिन कत्याल पर हमला कर दिया गया था, ग्रेनेड के पिन ओपन कर दिए गए थे और 2 बंदूकें निकाल ली गई थी। धमकी दी गई थी कि यदि 30 सेकंड में प्लेन नहीं उड़ा तो एक एक करके सबकी सांसें रोक दी जाएंगी। रियली अनुभव सिन्हा अंताक्षरी खेल रहे थे, नंबर एक्सचेंज हो रहे थे और ये मान लो कि हल्का फुल्का ऐसा कुछ सीन बन भी रहा था तो उसका प्रयोग तुम लोग ऐसे करोगे अपनी फिल्म में। इसके बाद पहले फ्लाइट को दुबई उतारा जाता है और उसके बाद कांधार, जहां उतरते ही सभी यात्रियों को इस्लाम पढ़ाया जाने लगता है। पैसेंजर्स को कहा जाता है कि भारत सरकार भारत में तुम्हारे परिवार के साथ कुछ बहुत बुरा कर रही है। इन लोगों की आंख पर जो पट्टी 24 दिसंबर को आई थी वो 27 दिसंबर तक इनकी आंखों पर ही ढकी हुई थी और कई दिनों में पहली बार ये लोग टॉयलेट ढंग से प्रयोग कर पाए थे। 28 दिसंबर को पहली बार खाना आया था पर इसमें वेजिटेरियन खाना नहीं था, सब कुछ नॉन वेज था, हर वेजिटेरियन पैसेंजर के लिए भी। 29 दिसंबर को यात्री अपनी जान की भीख मांगने लगे थे और 30 दिसंबर को हाईजैकर्स ने कह दिया था कि नेगोशिएशंस तुम्हारी सरकार के साथ फेल हो गई हैं, सभी अपनी अपनी लास्ट विश बता दो। ये वही दिन था जब यात्रियों को बता दिया गया था कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, 1 बजे के बाद एक एक करके तुम्हारे भीतर पीतल उतारा जाएगा। 8 बजे ऐसा कहा गया था और 12 बजे तक ये सभी लोग रो रहे थे। तब 12:30 बजे मैसेज मिला था कि भारत सरकार ने शर्तें मान ली हैं और तब इन लोगों की जान बच पाई थी। इतना सब होने के बाद इन पैसेंजर्स के साथ एक बार हाथ मिलाया गया था, खाना भी खिलाया गया था और जाते जाते भी 71,000 रुपये इन पैसेंजर्स से हड़प लिए गए थे। इन लोगों के साथ इतना सब हुआ तो क्या फिल्म के डायरेक्टर को अपने इंटरव्यू में हाईलाइट करने के लिए अंताक्षरी मिली, हाथ मिलाना मिला या फिर कुछ और बकवास मिली? ये सीन फिल्म में हाईलाइट भी नहीं होने चाहिए थे क्योंकि ये सीन उन दरिंदों को ह्यूमनाइज करते हैं, परंतु कदाचित यही तो ऐसी फिल्म बनाने वाले लोग चाहते हैं। ऐसा बवासीर पहली बार नहीं बना है, इसका पूरा इतिहास है जिसे आगे देखते हैं। तो भाई बॉलीवुड बड़ा ही मजेदार स्थान है। 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया, 1993 में मुंबई में जो हुआ और वो किसने किया वो ना सबको पता है, मैं अगर बताऊंगा तो कमबख्त YouTube बुरा मान जाएगा। अब उसके 2-3 वर्षों के बाद एक फिल्म आती है जिसका नाम होता है दिल जले। इसमें अजय देवगन को आतंकी दिखाया जाता है, वो भी कश्मीर का आतंकी, और उसमें अजय देवगन का नाम होता है शाका। भाई साहब हिंदू होते हैं। 1990 और 1993 के बाद कश्मीर के आतंक पर बनी फिल्म का आतंकी हिंदू था, क्यों? बस था तो था, कौन पूछे बॉलीवुड से। फिर 1990 के 10 वर्ष बाद यानी
सन 2000 में एक फिल्म आती है मिशन कश्मीर, और ये तो भाई साहब गजब की फिल्म थी। इस एक फिल्म में जितना प्रोपेगेंडा परोसा हुआ था ना, उतना तो किसी फिल्म में देखा ही नहीं होगा। फिल्म ना कश्मीर पर बेस्ड थी, ऋतिक रोशन बना था आतंकी, नाम होता है अल्ताफ। वो इंस्पेक्टर खान यानी संजय दत्त का अडॉप्टेड बेटा होता है। अब अल्ताफ को अडॉप्ट क्यों किया गया? क्योंकि अल्ताफ की मासूम फैमिली क्यों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में समाप्त हो जाती है। वैसे अल्ताफ की मासूम फैमिली ने आतंकियों को अपने घर में पनाह दे रखी थी। फिर एक दिन अल्ताफ को पता चलता है कि उसके परिवार को संजय दत्त ने मारा था, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, तो वो संजय दत्त पर आक्रमण कर देता है। लेकिन संजय दत्त बच जाता है, तो फिर अल्ताफ अपने घर से भाग जाता है, और जब बड़ा होता है तो सबसे खतरनाक आतंकी बन चुका होता है। मतलब पुलिस और प्रशासन की बर्बरता ऋतिक रोशन को आतंकी बना रही थी। फिर मिशन कश्मीर में एक सीन आता है जहां 1984 में जो हुआ उसे कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके साथ इक्वेट करके फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट किया जाता है, और कश्मीर के असली आतंकवाद को जस्टिफाई कर दिया जाता है। तुम क्या समझोगे क्या होता है अपनों से पिछड़ना? नहीं, मैं कभी भी नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे घर वाले तो है ही नहीं, सबको मार दिया गया एक ही दिन में, सन 84 दिल्ली में। फिर एक ना राम गोपाल वर्मा की फिल्म आती है उस आक्रमण पर, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे भयावह पल था। उसका नाम लेने से YouTube डिमोनेटाइज कर देता है वीडियो को, तो आप फिल्म के पोस्टर से समझ लेना। इस फिल्म में अजमल को नाना पाटेकर अरेस्ट कर लेता है, और जेल में हिंदू इंस्पेक्टर अजमल को कुरान के वर्सेस का असली मतलब बताता है। तुम क्या समझते हो? सिर्फ तुमने और तुम्हारे आका ने पढ़ी है, हम सब लोग जाहिल हैं, हमारी कोई औकात नहीं, विसाद नहीं। ये असलियत में नहीं हुआ था, लेकिन फिल्म में ऐसा इसलिए किया गया ताकि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये वाली जो थ्योरी है ना, इसको प्रमाणित किया जा सके। वर्ष 2000 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था लम्हा, और वो भी आतंक के ही थीम पर थी। उस फिल्म का ना ये सीन देखिए। हवा बदल चुकी थी, जो कौम चाकू छुरी चलाना भी नहीं जानती थी, अब ऑटोमेटिक बंदूक उनके लिए खिलौना बन गया था। ये भी सही है, एक ऐसी कौम जो चाकू छुरी पकड़ना भी नहीं जानती थी। हंसी नहीं आई भाई साहब ये सब कुछ बोलते हुए। फिर ना 2014 में हैदर बनाई गई, और हैदर तो बनाई ही आतंकियों के पर्सपेक्टिव से थी, जिसमें भारतीय आर्मी को ही विलन दिखा दिया गया था। लिखी भी एक जिहादी ने थी, और इस फिल्म के एक एक्टर ने तो लश्करे तैयबा ही ज्वाइन कर ली थी, और जब उसको ठोका गया तो उसकी माँ बोली शहादत दी है मेरे बच्चे ने तो। खुदात रसूल का से शहादत कबूल कर। और ऐसे लोगों को बॉलीवुड की फिल्में ह्यूमनाइज करती हैं। इन लोगों को ह्यूमनाइज करने वाले ना इतने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं बॉलीवुड से कि रात से सुबह हो जाए, पर उन एग्जाम्पल्स को देखने से बेटर ये है कि ये जाना जाए कि बॉलीवुड की फिल्में ऐसा करती क्यों हैं। तो उसको देखते हैं अगले अध्याय में। देखिए, दरिंदा दरिंदा ही होता है। यदि एक व्यक्ति किसी लड़की के साथ यौन हिंसा करने के पश्चात उस लड़की के साथ शादी करने का प्रस्ताव रख देता है, तो क्या ये फिल्म बनाने वाले उसके इस शादी के प्रस्ताव को ह्यूमनाइज करके दिखाएंगे? मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। तो फिर आपको डराने, धमकाने, जलील करने, मारने, पीटने, अमानवीय यातनाएं देने, आपके साथ की महिलाओं और बच्चों तक को प्रताड़ित करने, आपके देश पर आघात करने वाले आक्रांताओं को उनकी शर्त मानने के बाद यात्रियों से हाथ मिला लेने को कैसे ह्यूमनाइज किया जा सकता है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अनटिल एंड अनलेस फिल्म का मकसद ही वही है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि फिल्म का मकसद ऐसे कैसे हो सकता है? तो जी, इसका एक लाइन में आंसर है कि बॉलीवुड पर बहुत समय तक दाऊद गैंग का कब्जा रहा, और आज बॉलीवुड उसी इकोसिस्टम के कब्जे में है जो कभी दाऊद के समय बना था। सरल शब्दों में समझाता हूँ। 2001 तक बॉलीवुड को सरकार द्वारा एक फिल्म इंडस्ट्री के रूप में लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। अब जब कोई चीज़ रिकॉग्नाइज ही नहीं है, तो उसमें कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाइट का पैसा लगाने से बचता था, और फिल्म्स काले धन से बनती थी। भारत सरकार की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार एक समय बॉलीवुड में बनने वाली 60-60% फिल्में अंडरवर्ल्ड यानी माफिया के पैसे से बनती थी। फिल्म की कास्टिंग से लेकर स्क्रिप्ट तक दाऊद गैंग का हाथ होता था, और 1980 से 2001 तक चले इस समय में एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। इस पूरे इकोसिस्टम में जो दाऊद की बात नहीं मानता था वो ऊपर कट लेता था। 2001 में बॉलीवुड को फिल्म इंडस्ट्री का दर्जा मिला, तो दाऊद ने पाकिस्तान में सदाफ नाम की एक कंपनी खोलकर भारत में रिलीज हुई किसी भी फिल्म की पायरेसी चालू कर दी। इसके अलावा ड्रग्स के साथ बॉलीवुड का रिलेशन और ड्रग्स की सप्लाई के साथ दाऊद का रिलेशन, इसके बारे में सब जानते हैं।
2013 में प्रकाशित हुई इस रिपोर्ट के अनुसार जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, फिल्मों की पायरेसी से होने वाली कमाई दाऊद गैंग के आतंक को फाइनेंस करती थी। ये 2013 की रिपोर्ट है। आज दाऊद का डायरेक्ट प्रभाव जरूर कम हो गया होगा फिल्म इंडस्ट्री पर दाऊद के एकाधिकार के समय सेट किया हुआ इकोसिस्टम अभी तक वही है। अब आप खुद सोचिए कि एक जिहादी इकोसिस्टम एक जिहादी को ह्यूमनाइज करेगा या नहीं। दिक्कत यह है कि जो फिल्में लोगों को सिगरेट पीना सिखा देती हैं, यौन शोषण सिखा देती हैं, वो फिल्में लोगों के दिमाग में आतंकवादियों के लिए संवेदना तक भर देती हैं, और इसके लिए अपनी फिल्मों में आक्रांताओं को ह्यूमनाइज करने वाले लोग वो जिम्मेदार है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? यदि हाँ तो इसे रोकने के लिए इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत छोड़िए। सपोर्ट करिए हमारे कार्य को UPI और Patreon के माध्यम से, जिनके लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे या फिर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो आपको दिख रहा है उसे अवश्य देखिए, जहां आपको योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी के बीच की एक लड़ाई दिखेगी। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।